नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर फिल्म 2020 में आपका स्वागत है। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आप रिवीजन वीडियोस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से या फिर onlyice.com पर जाकर, और वहीं पर आप इन कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो। फाउंडेशन कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम सिलेबस विद टेस्ट सीरीज, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और मेंस बूस्टर प्रोग्राम। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप onlyice.sales@gmail.com पर पूछ सकते हो। ये लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ट्रैफिक इंडेक्स 2018 के बारे में है। देखो, एक एम्स्टर्डम बेस्ड कंपनी है टोमटोम, इस कंपनी के द्वारा ये इंडेक्स पब्लिश किया गया है, ट्रैफिक इंडेक्स 2018। ये जो कंपनी है वो ट्रैफिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस प्रेजेंट करती है, और ट्रैफिक इंडेक्स 2018 जो जारी किया गया है 56 कंट्रीज में जो 403 शहर हैं उन सिटीज के लिए ये ट्रैफिक इंडेक्स 2018 जारी किया गया है। इस इंडेक्स के अनुसार कंजेशन का क्या मतलब है, एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए दो पॉइंट्स हैं ए बी। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए मान लीजिए अगर रोड खाली है तो एक घंटा लगता है, 1 आवर। लेकिन अगर ट्रैफिक काफी ज्यादा है ए से बी रोड पर, टाइम लगता है 1 आवर 30 मिनट्स। तो कंजेशन क्या हुआ, कंजेशन हुआ यहां पर 30 मिनट्स या फिर 30 यूनिट्स आप कह सकते हो। तो इस प्रकार से कंजेशन को डिफाइन किया गया है ट्रैफिक इंडेक्स 2018 में। इस इंडेक्स के अनुसार पूरे वर्ल्ड में मुंबई देखो मोस्ट ट्रैफिक कंजेस्टेड सिटी है, और दिल्ली का स्थान जो है वो है चौथा। यहां पर देखो मुंबई मोस्ट ट्रैफिक कंजेस्टेड सिटी है पूरे वर्ल्ड में। दूसरा नंबर आता है बोगोटा का। बोगोटा कहाँ पे है, कंबोडिया में है। तीसरा नंबर है लीमा का और चौथा नंबर है न्यू दिल्ली का। परसेंटेज क्या, परसेंटेज का क्या मतलब है यहाँ पर, परसेंटेज का मतलब देखो ये है, मुंबई में अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी को जाना हो तो एवरेज से 65% ज़्यादा समय लगता है उस पर्सन को। इसी प्रकार से न्यू दिल्ली में अगर किसी पर्सन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो तो एवरेज से 58% समय ज़्यादा लगता है उस पर्सन को। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ट्रैफिक इंडेक्स 2018 के बारे में। नीदरलैंड की लोकेशन एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि एम्स्टर्डम बेस्ड कंपनी के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया गया था। एम्स्टर्डम जो है वो नीदरलैंड की राजधानी है। नीदरलैंड की जो सीमा है वो टच होती है बेल्जियम के साथ और जर्मनी के साथ है। रोटरडम के बारे में आपने सुना होगा, बताइए कहाँ सुना है आपने रोटरडम के बारे में। आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। जो रोटरडम कन्वेंशन है और दूसरी तरफ बेसल कन्वेंशन है, दोनों कन्वेंशंस के बीच डिफरेंस क्या है, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इससे आपका रोटरडम कन्वेंशन भी कवर हो जाएगी और बेसल कन्वेंशन भी कवर हो जाएगी। तो आंसर दीजिएगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 के बारे में है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ये इंडेक्स जो है वो रिलीज किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। यह ऑस्ट्रेलिया का एक थिंक टैंक है। इस बार के इंडेक्स में इंडिया को रैंकिंग दी गई है 141 आउट ऑफ 163 कंट्रीज। पिछली बार इंडिया की रैंकिंग थी 136th, यानी पिछले साल इंडिया ज़्यादा पीसफुल कंट्री था, इस बार इंडिया 5 स्थान पीछे चला गया है। ये रैंकिंग देखो दी जाती है 3 क्राइटेरियाज के आधार पर, 3 थीमेटिक डोमेन्स के आधार पर, लेवल ऑफ सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सोसाइटी में कितनी सेफ्टी और सिक्योरिटी है, दूसरा डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट उस देश का है या फिर नहीं है, डिग्री ऑफ मिलिटराइजेशन कितना है। तो इन 3 थीम्स के आधार पर यह इंडेक्स तैयार किया जाता है। इंडिया को स्थान प्राप्त हुआ है इस बार 141वां। क्लाइमेट चेंज की वजह से पीस पर यानी शांति पर क्या असर पड़ सकता है, इसको भी ऐड किया गया है नई रिसर्च में। ओवरऑल देखो पिछले 5 सालों में ग्लोबल पीस इंडेक्स का जो ग्लोबल स्कोर है वो इम्प्रूव हुआ है। 86 कंट्रीज ने अपने स्कोर को इम्प्रूव किया है और 76 कंट्रीज ऐसे हैं जिनका स्कोर पहले से खराब हो गया है। मोस्ट पीसफुल नेशन है आइसलैंड। दूसरे कंट्रीज जो ग्लोबल पीस इंडेक्स में टॉप में आते हैं वो हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, डेनमार्क। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2019 के बारे में है। सबसे पहले आप ये याद रखिए, ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा, यानी UNCTAD के द्वारा। इस बार UPSC ने कौन सी रिपोर्ट के बारे में पूछा था, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट के बारे में UPSC ने पूछा था इस बार।
तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2019 उस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट से एक बात यह पता लगती है, 2018 में इंडिया में एफडीआई में 6% का इजाफा देखने को मिला। 2017 में इंडिया में एफडीआई आई $40 बिलियन, जबकि 2018 में इंडिया में एफडीआई आई $42 बिलियन। स्ट्रॉन्ग इनफ्लो देखने को मिला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, क्रॉस बॉर्डर मर्जर और एक्विजिशन एक्टिविटीज में। इंडिया देखो 2017-18 में उन टॉप 20 कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हैं जिनमें सबसे ज़्यादा एफडीआई देखने को मिली। हम बात करें यूएनसीटीएडी के बारे में, यानी यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बारे में। ये देखो एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा 1964 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये जो बॉडी है वो यूएन सेक्रेटरिएट का पार्ट है। डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा सपोर्ट किया जाता है इस बॉडी के द्वारा, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज को ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और डेवलपिंग कंट्रीज भी डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़ें। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इज ए रिकॉग्नाइज्ड मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और सबसे लास्ट में ICSID। ICSID का मतलब क्या है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? देखो सही आंसर है इस क्वेश्चन का यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप ए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के बारे में है। QS का मतलब है यहाँ पर क्वेकरली सिमोंस। ये देखो एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म है और इस क्वेकरली सिमोंस के द्वारा हर साल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए रैंकिंग जारी की जाती है। वर्ल्ड की जो टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए रैंकिंग जारी करता है ये QS। ओवरऑल ग्लोबल रैंकिंग्स देने के अलावा 48 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में भी सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग दी जाती है QS के द्वारा, और भी काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स जैसे ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी और कंपोजिट फैकल्टी एरियाज, इनमें भी रैंकिंग दी जाती है QS के द्वारा। चूँकि देखो QS यानी क्वेकरली सिमोंस जो है वो प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म है, इस वजह से UPSC इस पर क्वेश्चन पूछे संभावना कम है। एक टाइम्स मैगजीन के द्वारा भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग जारी की जाती है, उसके बारे में पूछे जाने की भी संभावना भी कम है क्योंकि वो भी प्राइवेट कंपनी है। समझ रहे हो, पास्ट में UPSC के द्वारा नहीं पूछा गया है, फ्यूचर में हो सकता है UPSC अपना ट्रेंड चेंज कर दे, लेकिन संभावना कम है। इस QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के हिसाब से देखो MIT को फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ है लगातार 8वें साल। टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ में 23 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं और पिछले साल 24 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग मिली थी, यानी इस साल एक हमारी यूनिवर्सिटी घट गई है। और टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में 9 हमारी हैं और 9 में से 7 जो हैं वो IITs हैं। हमारे देश में IIT बॉम्बे को टॉप स्थान प्राप्त हुआ है, उसके बाद IIT दिल्ली, उसके बाद IIT बेंगलोर, ये लिस्ट है। चलते हैं आगे। आर्टिकल हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? नीति आयोग के द्वारा इस रिपोर्ट का सेकंड एडिशन रिलीज किया गया। इसी रिपोर्ट के साथ नीति आयोग के द्वारा एक इंडेक्स भी रिलीज किया गया है, हेल्थ इंडेक्स 2019। इस रिपोर्ट को देखो डेवलप किया गया है नीति आयोग के द्वारा, टेक्निकल असिस्टेंस ली गई है वर्ल्ड बैंक से और कंसल्टेशन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली एंड वेलफेयर से। हेल्थ इंडेक्स 2019 की अगर हम बात करें, इस इंडेक्स के लिए देखो नीति आयोग ने स्टेट्स को और यूटीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, लार्ज स्टेट्स, स्मॉल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। 23 यानी 23 हेल्थ इंडिकेटर्स के आधार पर यह इंडेक्स रिलीज किया गया है। कुछ प्रमुख इंडिकेटर्स की हम बात करें, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, प्रोपोर्शन ऑफ लो बर्थ वेट अमंग न्यू बॉर्न्स 4th नंबर पे, प्रोपोर्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स विद फंक्शनल कार्डियक केयर यूनिट्स, फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज एंड प्रोपोर्शन ऑफ स्पेशलिस्ट पोजीशंस वैकेंट। तो ये कुछ प्रमुख इंडिकेटर्स हैं जिनके आधार पर हेल्थ इंडेक्स 2019 जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। अगर पोजीशंस की बात करें, केरल को देखो ओवरऑल टॉप स्थान प्राप्त हुआ। केरल के अलावा आंध्र प्रदेश का स्कोर दूसरे नंबर पर रहा ओवरऑल। केरल के स्कोर की बात करें तो ये रहा 74.01, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश का स्कोर रहा 65.13,
महाराष्ट्र का स्कोर रहा 63.99। इसके अलावा देखो इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस की बात करें, इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस मतलब बेस ईयर अगर हम माने 2015-16 को और रेफरेंस ईयर अगर माने 2017-18 को, तो कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस सबसे बेटर रही? इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस सबसे बेटर रही हरियाणा, राजस्थान और झारखंड की। इसके अलावा महाराष्ट्र ने अपनी रैंकिंग में 3 पोजीशंस का सुधार किया है और कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा, असम, इन्होंने अपनी रैंकिंग में 1 पोजीशन का सुधार किया है। सबसे खराब स्कोर देखो यूपी का रहा 28 के आसपास। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, ये ऐसे राज्य हैं जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट जो कि है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट से संबंधित, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट ये है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट को 25 करना है 2030 आने से पहले। देखो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट का मतलब ये है 1000 में से कितने बच्चों की डेथ हो जाती है 5 साल की एज अचीव करने से पहले ही। SDG गोल ये कहते हैं कि इस आंकड़े को करना है 25 तक। तो कुछ स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, इन स्टेट्स ने इस टारगेट को ऑलरेडी अचीव कर लिया है। एक लास्ट में इंपॉर्टेंट बात, 8 जो इम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स हैं कौन कौन से हैं, 8 सोशो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स, राजस्थान, यहां पर देखो बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश। इनमें से देखो 3 ऐसे राज्य हैं राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन्होंने ओवरऑल परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट शो की है, बाकी 5 राज्यों ने इंप्रूवमेंट शो नहीं की है। इन 8 सोशो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स को इंपावर्ड एक्शन ग्रुप भी कहा जाता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट के बारे में। बस एक छोटी सी चीज़ ये भी है, यूटीज में छत्तीसगढ़ ने टॉप किया है हेल्थ परफॉर्मेंस में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल हमारा SDG जेंडर इंडेक्स से है जिसको इक्वल मेजर्स 2020-2030 बनाता है। कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो 95th रैंक मिला है इंडिया को 129 कंट्रीज से इस SDG जेंडर इंडेक्स को डेवलप करने में। अब ये बात करें कि ये जो SDG जेंडर इंडेक्स है वो कैसे मिलता है या कौन बनाता है, तो ये एक तरीके का जॉइंट एफर्ट है। ये जॉइंट एफर्ट पूरे रीजनल और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा किया गया है। अब UPSC कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि इसके रीजनल और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस बता दो, ये सारी चीज़ें नहीं, आपको ये याद नहीं करना। बस मैं एक बार पढ़ देता हूँ, या फिर इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन, इनके अलावा अफ्रीकन वुमेन डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब ये सब चीज़ कभी UPSC पूछती नहीं है, तो इसीलिए इसको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट बात है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपने कंसर्न में रखती है और उसके बेसिस पर SDG जेंडर इंडेक्स बनाने की कोशिश करती है। इसमें से 17 में से 14 SDG गोल्स को ये अपने अकाउंट में लेती है। इसमें पावर्टी, हेल्थ, एजुकेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इन सब के बेसिस पर ही इक्वलिटी डिसाइड होता है। फिर अगर किसी को 100 मार्क्स मिल जाते हैं या फिर कोई 100 स्कोर कर लेता है तो वहां पर परफेक्ट जेंडर इक्वलिटी है। जैसा कि हमने अभी लास्ट स्लाइड में भी देखा, यहाँ पर डेनमार्क जो है उसका मार्क्स 89.3 है, मतलब यहाँ पर भी 100% जेंडर इक्वालिटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे हाईएस्ट है। और सबसे लोवेस्ट कहाँ मिलता है, चैड में, ठीक है। और कुछ बात करें तो इंडिया कुछ कुछ चीजों में तो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि हेल्थ के सेक्टर में, हंगर एंड न्यूट्रिशन और एनर्जी के रेंज में, तो यहां पर इसको अच्छे मार्क्स मिले हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप के बारे में बात किया जाए या फिर इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन की बात की जाए, तो यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी काफ़ी कम है। एक और भी इन्फॉर्मेशन आपको साथ में हमेशा रखना चाहिए कि एक और जेंडर गैप इंडेक्स आता है। ये जेंडर गैप इंडेक्स कौन प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, और इस बार इंडिया में 108th रैंक आया है इसमें। तो ये SDG जेंडर इंडेक्स है और ये जेंडर गैप इंडेक्स है, कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। हम बात कर रहे थे इसमें इक्वल मेजर्स 2030 की, जिसने SDG जेंडर इंडेक्स को बनाया है, डेवलप किया है। तो ये है क्या, ये एक तरीके का इंडिपेंडेंट सिविल सोसाइटी है और इसमें प्राइवेट सेक्टर लेड पार्टनरशिप है, बहुत सारे लोग हैं जिसमें जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने की बात करते हैं ये, और ये मानते हैं कि जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी औरतें हैं पूरे वर्ल्ड में, उनका काउंट हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। फिर ये पार्टनरशिप है, जॉइंट एफर्ट है बहुत सारे लीडिंग रीजनल और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस का, जिनका नाम हमने अभी पहले वाले स्लाइड में ही देख लिया था। अगला आर्टिकल हमारा फिस्कल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलेटेड है। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि
फिस्कल परफॉर्मेंस इंडेक्स का गठन किया गया है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के द्वारा, जिससे कि हम लोग स्टेट और सेंट्रल बजट को एक्सेस कर पाएं कि कितना प्रोमिनेंट तरीके से इसने अभी तक काम किया है या फिर कितना जगह है, इसको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, ये सारी बातें। तो ये एक काइंड ऑफ इनोवेटिव टूल है जो कि मल्टीपल इंडिकेटर्स का यूज करता है, जिससे कि हम लोग सेंट्रल और स्टेट लेवल के जो भी बजट्स हैं उनकी क्वालिटी को एग्जामिन कर पाएं। ये फिस्कल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है ये बेसिकली UNDP के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेथोडोलॉजी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और इसके अंतर्गत 6 कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि होलिस्टिक तरीके से गवर्नमेंट बजट से क्वालिटी को एक्सेस कर पाते हैं। अब ये असेसमेंट जो भी होता है, ये जो हम 6 कॉम्पोनेंट्स की बात कर रहे थे, उसमें सबसे पहला क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसमें अगर इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडी, पेंशन और डिफेंस को छोड़ के जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुए हैं उनका जितना GDP का शेयर है उसको ध्यान में लिया जाता है। दूसरा जो है क्वालिटी ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कि डिफेंस के अलावा जहां पर भी हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है उनका GDP के साथ कितना शेयर बनता है उसको मेजर करते हैं। तीसरा क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू, मतलब कि जितना भी हमने टैक्स रेवेन्यू या स्टेट के लिए या फिर सेंटर के लिए जितना भी कलेक्ट किया है वो नेट टैक्स रेवेन्यू GDP का कितना परसेंट है या फिर रेशियो जो है नेट टैक्स रेवेन्यू टू GDP उसको कैलकुलेट करते हैं। चौथा डिग्री ऑफ फिस्कल प्रूडेंस 1, जिसमें एक रेशियो कैलकुलेट करते हैं फिस्कल डेफिसिट टू GDP, और एक फिस्कल प्रूडेंस 2 है जिसमें रेवेन्यू डेफिसिट टू GDP का रेशियो निकालते हैं। और छठवां जो है वो डेट इंडेक्स है। इस डेट इंडेक्स में हम लोग इन डेट एंड गारंटीज टू GDP का एक रेशियो निकालते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आए हैं। तो ये 6 कॉम्पोनेंट्स हैं जिनके बेसिस पे फिस्कल परफॉर्मेंस इंडेक्स को हम लोग देखते हैं। CII की बात करें, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, तो ये एक काइंड ऑफ नॉन गवर्नमेंट नॉन फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री लेड इंडस्ट्री मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसको 1895 में फाउंड किया गया था और इसका बेसिक काम यही है कि गवर्नमेंट को जो भी पॉलिसीज होती हैं उनको किस हिसाब से इंडस्ट्रीज से रिलेटेड ग्रोथ में उनको एक साथ लेके चलना है। मतलब कि अगर हम बात करें, जब हमारी इकोनॉमी चेंज आया था 1991 में, लिबरलाइजेशन हुआ था हमारी इकोनॉमी का, तो उस टाइम पर भी CII का बहुत बड़ा रोल है। इसने अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए थे। CII जो है एक तरीके से रेफरेंस पॉइंट भी हम इसको मान सकते हैं कि इंडियन इंडस्ट्री में, जिस हिसाब से हमने बात किया कि 1895 में इसको फाउंड कर लिया गया था, तो ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का एक मार्क या फिर हम बोल सकते हैं ट्रेडमार्क काइंड ऑफ चीज है, जिसके चलते हम लोग इसको रेफरेंस पॉइंट की तरफ से देखते हैं। वो भले ही इंडियन इंडस्ट्री हो या फिर इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी हो, वो भी इसको रेफरेंस पॉइंट की तरह ट्रीट करती है। इसके 65 ऑफिसेस हैं जिसमें से 9 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस इंडिया में हैं और 11 बाहर भी हैं, तो बहुत सारी कंट्रीज में इसका प्रेजेंस है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो जेरन गोल्ड के बारे में है। ये क्या है? ये देखो, रशिया की फर्स्ट टूरिस्ट ट्रेन है जो कि आर्कटिक रीजन में जाएगी। जेरन गोल्ड का नाम है जार्स गोल्ड, जर्मन लैंग्वेज में। आर्कटिक रीजन कहाँ पे है ये देखो, आप आर्कटिक रीजन का मैप देख लीजिए। ये यहाँ पे कनाडा है, ये रशिया है और बीच में है आर्कटिक ओशन। तो इस आर्कटिक ओशन में जाएगी ये ट्रेन जेरन गोल्ड। ये एक टूरिस्ट ट्रेन है, सेंट पीटर्सबर्ग से चलेगी। इस ट्रेन की सहायता से पैसेंजर्स आर्कटिक रीजन को देख सकेंगे, जिसको देख पाना आमतौर पर मुमकिन नहीं होता है। देखो, आर्कटिक रीजन में पहले तो बर्फ जमी हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये जो बर्फ है ना, ये पिघल रही है। बीच में ये बर्फ पिघल रही है, इसलिए नए नए रूट्स जो हैं वो ओपन हो रहे हैं। पहले ये पूरा एरिया बर्फ से जमा हुआ था, लेकिन अब कुछ एरिया जो है वो पिघल रहा है, इसलिए नए नए रूट्स ओपन हो रहे हैं। रशिया ज़्यादा अपॉर्चुनिटी तराश रहा है नए रीजन्स में कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने के लिए, और इवन ऑयल और गैस का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है इस रीजन में, तो उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए भी रशिया काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है। जैसे देखो, आंकड़ा दिया हुआ है 412 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल और गैस के रिजर्व जो हैं वो यहाँ पर हैं, जो वर्ल्ड के अनडिस्कवर्ड और ऑयल गैस का 22% है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप ये बताइए, वर्ल्ड की फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन जो है वो कहाँ पर चली है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ऑप्शंस हैं आपके सामने इस प्रकार से, फ्रांस, जर्मनी, USA, UK। आपको ये बताना है वर्ल्ड की फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड जो ट्रेन है वो कहाँ पर चली है। नेक्स्ट आर्टिकल फर्स्ट सोलर किचन के बारे में है। देखो, बांछा गाँव है मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। ये हमारे देश का पहला ऐसा गाँव बन गया है। यहाँ पर गांव के सभी घरों में 0 वुडन स्टोव है, लकड़ी का कोई स्टोव नहीं है, ना ही LPG सिलेंडर का इस्तेमाल होता है।
गांवों के सभी घरों में सोलर पावर्ड स्टोव का इस्तेमाल होता है खाना बनाने के लिए। तो अगर यूपीएससी पूछे फर्स्ट सोलर किचन हमारे देश का कौन सा है, बांछा है मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। चलते हैं आगे। आगे देखो, आप एक कमेटी के बारे में याद रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी वैसे ये नहीं है, भारत भूषण परसून कमेटी। ये कमेटी सरकार के द्वारा गठित की गई है। रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांवा लिमिटेड का जो फेयर है, किराया है, उसको फिक्स करने के लिए जो ये भारत भूषण परसून है, ये देखो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी नहीं है। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल हमारा भुवन पोर्टल से रिलेटेड है। इसमें क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मतलब कि आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये जो भी एक मिनिस्ट्री है, इसने एक योगा रिलेटेड ऐप है उसको कोलैबोरेट किया है भुवन पोर्टल के साथ। तो ये भुवन पोर्टल क्या होता है, एक बार इसको समझते हैं। भुवन पोर्टल एक इसरो का इंटरनेट पोर्टल है या फिर एक ऐसा ऐप है जिसके थ्रू वो विजुअलाइजेशन सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। मतलब कि अगर हम नॉर्मली गूगल मैप की बात करें तो गूगल मैप में आप कुछ भी देख सकते हो, मैप के थ्रू रोड्स देख सकते हो, बिल्डिंग्स देख सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे ही विजुअलाइजेशन सर्विस को, जो कि बाहर ऊपर से सैटेलाइट के थ्रू ये जो भी विजुअल इमेजेस मिलती हैं उनको क्लब करके ये विजुअलाइजेशन सर्विस प्रोवाइड करता है, और इनसे रिलेटेड जो भी अर्थ ऑब्जर्वेशन के डेटा होते हैं उनको पब्लिक डोमेन में भी रखने का काम करता है। साथ ही साथ ये जो रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस होते हैं, इनको भी बहुत सारे सेवरल यूजर्स हैं जो कि ऐसे सर्विसेज को लेते हैं और इस पोर्टल का यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज भी बहुत सारे हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म पे अपने डेटास को शेयर करते हैं, और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से अपने स्पेसिफिक एप्लीकेशंस को लॉन्च करते हैं और उनको अपने चॉइस के थ्रू गाइड भी करते हैं। इसके बाद बहुत सारे ऐसे इंडियन स्टेट्स हैं जो कि भुवन प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं बहुत सारे स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए। इन एप्लीकेशंस को वो फॉरेस्ट्री, टूरिज्म, म्यूनिसिपल जीआईएस या जियो टैगिंग जैसी चीज़ों में भी यूज़ करते हैं। जो एक ऐप की बात की हमने, योगा लोकेटर, ये ऐप बेसिकली इस बात से रिलेट करता है कि एक तरीके का ये मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि मैप बेस्ड लोकेशन के ऊपर बेस्ड है। अभी यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो योगा सीखना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि उनके आसपास में योगा कौन सिखाता है, कैसे सिखाता है, कौन सा इवेंट होता है। तो इन सभी का मैप बेस्ड ऐसे इवेंट्स को बताना कि यहाँ पर भाई योगा सिखाया जाता है, यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पर कुछ ऐसे इंस्ट्रक्टर्स हैं जो कि आपको मिल जाएंगे और योगा सिखा देंगे। तो इससे एक हेल्दी इन्वायरमेंट डेवलप होगा जिससे हम लोग योगा को अडॉप्ट कर पाएंगे। साथ ही साथ इसमें ऐसे जो योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं वो भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे कि बहुत बड़े नंबर में लोगों तक ये बात पहुंच पाएगा कि हाँ यहाँ पर एक योगा इंस्ट्रक्टर है लगभग और हम यहाँ पर सीख सकते हैं इन सारी चीज़ों को। एक एस्टिमेट किया गया है कि लगभग 2 लाख ऐसे योगा इंस्ट्रक्टर हैं जो कि कंट्री में इस पोर्टल के थ्रू अभी इन्होंने रजिस्टर कर लिया है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल सुपर डैड्स कैंपेन के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? यूनिसेफ के द्वारा सुपर डैड्स कैंपेन को लॉन्च किया गया है। देखो, सोसाइटी में एक धारणा है कि फादर्स अपने काम में बिजी रहते हैं और जो मदर्स हैं वो बच्चों की डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देती हैं। तो इसी प्रकार के बैरियर को तोड़ने के लिए ये कैंपेन है, सुपर डैड्स कैंपेन, ताकि फादर्स भी यानी पिता भी बच्चों के इनिशियल डेवलपमेंट में एक अहम रोल प्ले करें। देखो, शुरुआती विकास में बच्चों को आवश्यकता होती है लव की यानी प्यार की, प्रोटेक्शन की, प्ले की, अच्छे न्यूट्रिशन की। तो इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करने में फादर्स एक अहम रोल निभा सकते हैं ताकि बच्चों की जो इनिशियल डेवलपमेंट है वो ज़्यादा आसानी से हो। तो इसी संदर्भ में ये कैंपेन लॉन्च किया गया है यूनिसेफ के द्वारा, सुपर डैड्स कैंपेन। वैसे इस कैंपेन का कंटेस्ट अभी ये भी है क्योंकि हर साल 17 जून का जो दिन है वो फादर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज फादर्स डे है, तो फादर्स डे से पहले ये कैंपेन चलाया गया यूनिसेफ के द्वारा, सुपर डैड्स कैंपेन। चलते हैं अगले आर्टिकल के। क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए, साइक्लोन से संबंधित क्वेश्चन है, यहां पर देख लेते हैं। दो स्टेटमेंट्स आपके सामने रखता हूं। पहली स्टेटमेंट, साइक्लोन्स में बिल्कुल कोर में यानी बीचों बीच में हाई प्रेशर एरिया होता है। दूसरी स्टेटमेंट, बे ऑफ बंगाल में अरेबियन सी के मुकाबले में ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं लेकिन अरेबियन सी में जो साइक्लोन्स आते हैं वो स्ट्रोंगर होते हैं एज कंपेयर टू साइक्लोन्स इन बे ऑफ बंगाल। समझ गए? फिर से बोलता हूँ, सेकंड स्टेटमेंट, हालांकि बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं लेकिन बे ऑफ बंगाल के साइक्लोन जो हैं वो कमज़ोर होते हैं एज कंपेयर टू अरेबियन सी के साइक्लोन्स। तो बताना है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। देखो, पहली स्टेटमेंट गलत है क्योंकि साइक्लोन के बीचों बीच यानी कोर एरिया जो होता है वहाँ पे लो प्रेशर एरिया होता है ना कि हाई प्रेशर एरिया। एंटी साइक्लोन के बीचों बीच होता है हाई प्रेशर एरिया।
और दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है। अरेबियन सी में जो साइक्लोन्स आते हैं वो ना सिर्फ संख्या में कम होते हैं एज कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन्स आते हैं, बल्कि अरेबियन सी में आने वाले साइक्लोन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते, वीक साइक्लोन्स होते हैं। तो इस प्रकार से दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स गलत हो जाती हैं। इसका आंसर होगा डी। लास्ट में एक और क्वेश्चन का आप आंसर दे दीजिए जल्दी सी। एशिया री एश्योरेंस इनिशिएटिव एक्ट, ये एक्ट कौन से देश के द्वारा लाया गया है? एशिया री एश्योरेंस इनिशिएटिव एक्ट कौन से देश के द्वारा लाया गया है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, चाइना, नंबर दो यूएसए, नंबर तीन रशिया, नंबर चार इंडिया। इसका आंसर है यूएसए। यूएसए लेके आया था ये एशिया री एश्योरेंस इनिशिएटिव एक्ट। इसलिए लाया था यूएसए ये एक्ट ताकि यूएसए के जो अलाय कंट्रीज हैं एशिया में उनको स्ट्रेंथन किया जा सके। मतलब इनडायरेक्टली देखो, चाइना को कंटेन करने के लिए यूएसए अपने अलाय कंट्रीज को एश्योरेंस देना चाहता था कि हम पैसा खर्चने के लिए तैयार हैं सिक्योरिटी के लिए या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो उस लिहाज से ये एक्ट आया था, यूएसए के द्वारा लाया गया था, एशिया री एश्योरेंस इनिशिएटिव एक्ट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।